सो है वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में देख सकते हैं आप, मेरे पास है यहाँ पर एक गाइस पोको F1 जो कि मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट रिफर्बिश से। और गाइस ये फ़ोन 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट है। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर ली है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि फ़ोन किस तरह का है और कितने रुपये मैंने इसको बाय किया है और क्या ये लेने लायक है या नहीं। तो चलिए पहले मैं आपको इसका अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ कुछ फील हो रहा होगा कि यहाँ पर जो इसका टच रेस्पॉन्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 64GB वाला वेरिएंट है और 6GB वाला यहाँ पर 6GB यहाँ पर रैम है, तो ये देख सकते हैं। चलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ़ोन को रखता हूँ साइड में और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बॉक्स कंटेंट के बॉक्स में हमें क्या क्या मिला था। तो कुछ इस तरह का बॉक्स था गाइज यहाँ पर, तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है यहाँ पर सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड ग्रेड जो इसका है वो है डी कैटेगरी में बाय किया है फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड से, जो कि वहाँ पर शो करता है ओके। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड सेक्शन में जाकर तो वहाँ पर आपको ओके गुड सुपर और लाइकली चार क्वालिटी शो करता है। तो यहाँ पर ये ओके क्वालिटी वाला है, सबसे नीचे वाली क्वालिटी होती है, उसमें मैंने इसको बाय किया है। तो उसमें किस तरह का फ़ोन मिलता है, देखने में कैसा होता है, कितनी इसकी जरूरत होती है, तो वही मैं इसमें बात करूँगा वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं चार्जर वगैरह वहाँ किस तरह का मिला है। सो गाइस कुछ इस तरह का बॉक्स पैकिंग था यहाँ पर। यहाँ पर हमारा फ़ोन रखा हुआ था, इसके नीचे एक इस तरह का स्टिकर मिलता है जो कि चार्ज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, 3 घंटे इसको चार्ज करना है यूज़ करने से पहले। और उसके नीचे का यहाँ पर एक और वारंटी कार्ड दिया गया है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये खाली होता है ये सेक्शन। कभी कभी यहाँ पर सिम इजेक्टिंग टूल आपको मिल जाता है बट हर बार यहाँ पर नहीं मिलता है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर वही फ्लिपकार्ट वाला जो चार्जर होता है 5V 2A का, तो गाइस वो चार्जर यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें मिला है यहाँ पर 5V 2A की रेटिंग है। और यहाँ पर एक डाटा केबल है बेसिक सा, बहुत ही चीप क्वालिटी का डाटा केबल यहाँ पर ये है चार्जिंग के लिए। तो ये सब यहाँ पर बॉक्स कंटेंट था। अब बात कर लेंगे गाइस बिल के बारे में, कितने रुपये मैंने यहाँ पर लिया है ये। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका बिल 8699 रुपये, तो ये मुझे मिला 8700 रुपये का लगभग। और इसका जो सेलर था गाइज उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में डाल दूँगा कहीं भी, तो वो आप देख लेना। तो शायद इसका सेलर जो था वही आईटेल ऑफिशियल करके इसका सेलर है कोई। तो चलिए इसको रखता हूँ साइड में, अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा फ़ोन था वो ग्रेफाइट ब्लैक कलर में है। तो फ़ोन देखने में यहाँ पर ठीक ठाक है, ओके क्वालिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ स्केचेस वगैरह इस पर देखते हैं, काफ़ी सारे स्केच यहाँ पर हैं बट लेकिन ये ठीक है, ओके क्वालिटी में है तो इतना तो सब यहाँ पर होता ही है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर स्क्रू वगैरह है वो एकदम न्यू लगे हुए हैं। तो फ़ोन तो ओपन होगा, ओके क्वालिटी वाला है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये स्क्रू जो है वो ओरिजिनल स्क्रू यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, ये बाद में लगाए गए हैं। या शायद से यहाँ पर जो पैनल है बैक वाला ये पैनल है, इसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है क्योंकि जो इसका कंडीशन देखने में लग रहा है यहाँ पर वो इसका कंडीशन ओरिजिनल पैनल जैसा यहाँ पर नहीं है। और ओके क्वालिटी में अगर ओरिजिनल पैनल आपको मिलता तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्केचेस देखने को मिलते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पर विजिबल स्केच ऐसा बड़ा सा कोई स्केच यहाँ पर नहीं है। अब जो ये फ़ोन आपको लग रहा कि ये सुपर क्वालिटी है, गुड क्वालिटी में होना चाहिए था, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है देखने में फ़ोन को। बट यहाँ पर जो ओके क्वालिटी में इस फ़ोन को मैंने बाय किया है वो क्यों किया है और क्यों ये ओके क्वालिटी में वहाँ पर लिस्टेड था, तो गई वो था यहाँ पर इसका डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये ओके क्वालिटी में यहाँ पर ये था। तो फिंगरप्रिंट वगैरह ठीक काम कर रहा है, साउंड स्पीकर वगैरह सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर जो डिस्प्ले का यहाँ पर लगवा आप देख सकते हैं अभी इसका ब्राइटनेस बिल्कुल मैक्सिमम है। और यहाँ से आपको कैमरे में पता नहीं कैसे फील हो रहा होगा बट मुझे देखने में यहाँ पर इसका ब्राइटनेस काफ़ी कम लग रहा है ओरिजिनल के मुकाबले। तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है वो रिप्लेस किया गया है और यहाँ पर जो डिस्प्ले पैनल लगा गया उसके कलर भी काफ़ी भद्दे से हैं और हल्के हल्के से कलर लगते हैं। और जो क्वालिटी है यहाँ पर टच की क्वालिटी है वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा बीच बीच में कभी कभी टच मिस हो जाती है, तो ये दिक्कत यहाँ पर है इस फ़ोन के साथ। तो इसीलिए गाइस ये गुड क्वालिटी में ओके क्वालिटी में यहाँ पर था। तो 8700 रुपये में
ऑनलाइन अगर आप बाई कर रहे हैं थोड़ा महंगा तो मिलता ही है, बट लेकिन ये है कि आप इसको आसानी से रिटर्न भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप मार्केट से कहीं से लेते हैं तो। वहाँ पर ये अच्छा होती है कि आप उसको देख कर अच्छे से ले सकते हैं या फ़ोन इतने रुपए के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो ओवरऑल गाइस ये फ़ोन मुझे ठीक लगा 8,700 रुपये में, और जो क्वालिटी यहाँ पर देखने में है वो तो काफ़ी बेहतर है, कोई भी नहीं एकदम से आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये ओके क्वालिटी वाला फ़ोन है। तो ये था गाइस कुछ यहाँ पर, और हाँ मैं इसका साउंड पर आपको एक बार चेक करता हूँ, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका एक बार साउंड चेक कर लेते हैं, तो स्पीकर अच्छे से काम कर रहे हैं, दोनों ही स्पीकर मैंने इसे चेक किए थे, जो मैं स्टीरियो स्पीकर मिलता है ना आपको, तो वो दोनों ही स्पीकर ठीक काम कर रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा भी आपको दिखाता हूँ एक बार गाइस, तो यहाँ पर जैसे कैमरा बैकिंग में है और अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे ही मॉडल यहाँ पर ठीक काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा गाइस मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ ओके क्वालिटी के हिसाब से एक और यहाँ पर अच्छी बात थी कि यहाँ पर जो कैमरा में धूल वगैरह होती है ना, मैंने कई सारे पोको एप बन बाई किए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा कैमरे में डस्ट वगैरह ऐसा कुछ मिलता है, बट यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं था कैमरे में डस्ट वगैरह, जो कैमरे का गिलास था वो गंदा था और यहाँ पर स्केच थी, बट लेकिन कैमरे के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल ऐसा कुछ नहीं था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसा डस्ट वगैरह कुछ नहीं कैमरे के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। सेलर ने जो ओके क्वालिटी में फ़ोन भेजा है वो ओके क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, थोड़ा प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।